मैं समझता हूं कांग्रेस ने जिस प्रत्याशी का चयन किया उसमें कांग्रेस ने अपना बड़ा ही विभत्स रूप दिखाया। भारत को टुकड़े टुकड़े करने का भाव, भारत की सेना को गाली देने का भाव, भारत के अर्धसैनिक बलों के शहादत पे जश्न मनाने वाला भाव, इस देश में घर घर से आतंकवादी निकालने वाला भाव, मुझे लगता है जो बहुत ट्रेडिशनल वोटर होंगे ना, वो भी आज उनको वोट नहीं देंगे। अगर बहुत उनको मजबूरी होगी तो शायद वो वोट न दे, ऐसी स्थिति आ गई है, ऐसा हमें पता चल रहा है। वोट देश के लिए है, देश हित के लिए है, नरेंद्र मोदी जी के लिए है। लेकिन मनोज जी, एक जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं के लिए चुनौती रहती है कि उनके वोटर्स को वोटिंग बूथ पर भी ले आना, पोलिंग बूथ पर ले जाना, ये बड़ी चुनौती रहती है। आपको क्या लगता है कि इसके इस चुनौती से कहां तक आप लोग पार पा पाएंगे? ये बहुत ही अच्छा सुबह से संदेश आ रहा है, जैसे ही मोबाइल खोला पूजा करने के पहले पता चला कि 14 और 19 से भी ज्यादा उत्साह लोगों का अपने बूथ पर जाकर के अपना मतदान देने का है, देश को जिताने का है। क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि इस समय अपने घर के सारे वोट बूथ पे जाएं, इस समय सारे वोट ईवीएम में पड़े और बच्चे भी अपने माता पिता को जगा रहे हैं कि चलो मतदान करो, देश को जिताओ, नरेंद्र मोदी जी के साथ इस देश को विकसित बनाने के लिए आगे बढ़ो।